रविंदर दत्ता सर, रवि स्टूडियो टाइटल है मेरा, मेरा चैनल नाम रविंदर दत्ता। ठीक है सर, तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ इसको रबड़ के ब्लॉक्स जिसे कहते हैं, प्रिंटिंग बैग, वो जो प्रिंटिंग होती है ना जी, उसके ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो वो ब्लॉक कैसे बनाए जाते हैं, उसका ए से जेड तक प्रोसेस है, वो हो सकता है आपको इस वीडियो में ना पूरा मतलब हो पाए कंप्लीट, लेकिन दो या तीन वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। पर जब आप देखेंगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा। ठीक है जी, तो आपने एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि मेरे मन का हौसला बुलंद तभी होगा जब इसको लाइक करेंगे सब, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर ओल प्लस का बटन दबाएंगे। ठीक है जी, तो मेरे को बहुत खुशी होगी क्योंकि ये जो चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं ये इसका कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही इतफाकन कोई ये मैन्युफैक्चर तैयार करता है हाथ से। ठीक है जी, ओके, मशीन से होते हैं लेकिन जो मशीन की कॉस्टिंग होती है बनवाने की बहुत ज़्यादा है, वो जल्दी अफोर्डेबल नहीं है। और हाथ की तो अफोर्डेबल है बट मैं मेहनत है जो वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, पर हमें उसकी वैल्यू मतलब हमारी नौकरी से बहुत हज़ारों गुना बेस्ट है कि अपना काम और अपना हुनर, वो तो आप जानते हो। चलो देर ना करें, लेट्स बिगिन। थैंक यू। देखिए आप देखिए सर, ये सबसे पहले क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये पेपर है, ए फोर का पेपर है। ठीक है जी, ये ए फोर का पेपर है, ये मैंने पार्ट ऐसे करके तीन पेपर जोड़े हैं, इनको मिला के रेजोल्यूशन का ब्लॉक तैयार करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तीन पेपर हमें प्रिंट आउट निकालने हो तो आप समझ ही गए होंगे, वन बाई वन करके पूरे डिज़ाइन को तीन पार्ट में निकाल के जोड़ लिया टेप से। ओके, ये तो कोई नॉर्मल बात है। सेकंड स्टेप, ये ब्लॉक की शीट है जिस पर छापा लगाएंगे, इम्प्रेशन देना ना हमें, ये तो रोल से इम्प्रेशन देंगे फर्स्ट, इसके बारे में बताऊँ आपको। ये रबड़ शीट है, ब्लैक होती है, ये स्टेप पेंट डिस्टेम्पर होता है, वाटर डिस्टेम्पर, वो किया गया है। ठीक है जी, मतलब पतला स्टफ रखना है इस पर, तो इम्प्रेशन ऐसे उल्टा रख के पेज रोल डाल लेंगे। दिखाते हैं, देखिए ये जो है ना, इसको डाल के रब करना छपा लग जाए, लेकिन उससे पहले हमें सेट करना पड़ेगा। देखिए तरीके सेट करिए, राइट सीधा तरफ सीधा पास ऐसे करते हैं, इसको ऐसे रखना है। ठीक है जी, ऐसे रखिए और देख के सेंटर में, मतलब चारों तरफ जगह ऊपर नीचे राइट लेफ्ट बराबर जगह रहे और जायज जाए, हाफ इंच और बाउंड्री जगह रहनी चाहिए बस, इस यहाँ तक, इससे अधिक मतलब कस्टमर जो आपको पे नहीं करेगा। अगर आप सोचो राइट में दो इंच ज़्यादा दे दें तो काउंट कर ले, नो, सिर्फ हाफ इंच राइट, हाफ अप, हाफ डाउन, हाफ लेफ्ट, मतलब इतनी जगह दे सकते हैं क्योंकि इससे मिनिमम हम तो रिस्क है ब्लॉक ख़राब हो जाएगा। इट्स ओके सर, चलो कंटिन्यू। देखना सर पर अच्छी तरह से, ये टेढ़ा ना लग जाएगा, इस साइड की लाइन से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हमारा ये पेपर लगभग अलाइनमेंट पे सीधा ही आना चाहिए। ठीक है जी, ऊपर की जगह में दे दी आधा इंच की, और राइट में अगर शीट मेरी बड़ी और जगह ज़्यादा मतलब बच जाएगी, अदरवाइज वो आपको दिख जाएगा, जैसे जैसे आप बैलेंसेस करोगे ना काम को तो पता लग जाएगा। ये पहला स्टेप तो आपको भी दिखा रहे हैं,
के प्रिंट आउट कंप्यूटर से निकाला, पेपर जोड़े, देन शीट को पेंट किया, उसके बाद पेपर को शीट के ऊपर इंप्रेशन देना है, छापा लगाना है जैसे कहते हैं, ठीक है ओके। देखिए सर, रुमाल हैंकी जरूर मुँह पर मान लीजिएगा, इससे इन्फेक्शन होता है, पेट्रोल नाक में चढ़ेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ओके यस यस, बट एक्चुअल आदत हो चुकी है, नॉट वरी। अब नया बंदा तो नेचुरली अपने आप को मतलब थोड़ा सा बचाएगा, पेट्रोल है भाई तेज होता है, फास्ट क्या है, हेयर को दिख रहा है, हेयर को रब करो, है ना, ऐसे किया, थोड़ा रिशीट करता आपको शायद प्रॉपर वीडियो कवर कैप्चर नहीं हुई, अब ठीक है देखो फटाफट करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि पेट्रोल उड़ जाता है ना, किया फटाफट तेल से ऐसे रब कर लो थोड़ा सा, सारा उठाना नहीं हमने कंप्लीट छापा लगा के ही उठाना है, नहीं तो पेपर हिल जाएगा। देखो दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो वाओ आया मजा, वाओ ये देखो वाओ, अब सारा नहीं उठा सकता मतलब कितना देख लो, बंडल नंबर उल्टे अक्षर आएंगे इंप्रेशन देने से, प्रिंट सीधा प्रिंट आउट तो उल्टे अक्षर आएंगे, और जो कटिंग होने के बाद डाई बनेगी तो जो प्रिंटिंग प्रेस पे जाएगी ना स्टैम्प, तो सीधी प्रिंटिंग होगी बैग पे, बैग सीमेंट का बैग, आटे की बोरी, खल की बोरी, किसी प्रकार का कोई भी वार देना है उसके, वो जो प्रिंटिंग होती है उसके ब्लॉक्स बनते हैं सर। सर ये जानकारी देना चाहता हूँ मैं कि ये इतने इम्पोर्टेंट काम है, मैंने इसके बगैर व्यापार नथिंग नो, ये है इतना मतलब स्कोपफुल है ये वर्क, छोटी मोटी बात मत समझना, कोई कंपटीशन नहीं इसमें, ज़ीरो। ओके सर, नेक्स्ट बाकी वीडियो मिलते हैं।